जी हाँ, मैंने लड़के के दोनों मैन्युफैक्चरर्स को बुला लिया है। आप तो समझो कि बात हो गई। आप तो बस शादी का मेन्यू, वेन्यू और मेरी बारी रेवेन्यू का हेडेक लीजिए। आइए आइए, आप ही का वेट कर रहा था। आइए, एक बहुत बड़ा रिश्ता आया है आपके लाल के लिए। लाल? अब ये कौन है? आपका बेटा। मेरा बेटा लाल नहीं, गोरा है। ओके इसको बात बात पर जो किल करने की आदत है। गोरे लड़के का गुरूर तो आपके चेहरे पे दिखता ही है मैडम। आप बिल्कुल ठीक जगह पे आई हो। हमारे रिश्ते यहाँ पे सबसे ज्यादा माइलेज देते हैं। वो देखो हमारा मासमा अवार्ड, मैरिज एसोसिएशन ऑफ श्री सांचो। बातें बंद कीजिए, आपके पास हमारे लिए कुछ है तो दिखाइए। हाँ, वरना मार्केट भरी पड़ी है। हमारे पास आती है एक लौती औलादे जो दहेज नहीं जायदाद लाती है। अभी अभी अब मार्केट वालों ने आपके चार पीस उठाए हैं, एक बार डेमो तो लीजिए। इसमें कोई और रंग है? मैडम ये तो आप शादी के बाद अपने आप रंग बदलेगी। टोटल एजुकेटेड, स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। पहले एमए किया, फिर सीए, फिर बीईडी, फिर एमबीबीएस, और अब सोच रही है कि एसएससी कर ही लेगी। इसे रहने दो, ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां इंडिपेंडेंट और बोल्ड होती है। वो एडजस्ट नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती, वो हमें कंट्रोल कर लेती है। इतनी पढ़ी लिखी है कि हमारे पूरे परिवार की डिग्री मिल जाए तो भी कम पड़े। अरे सर, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? रंग देखा है आपने इसका? ऑफ वाइट, ऑफ हो गई हूँ बिल्कुल। मुझे नाक, रंग और कद बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, और लो मेंटेनेंस, जिसकी बार बार सर्विस की जरूरत ना पड़े। आप रहने दे, एक महीने में शादी करनी है, और इससे तो बेटर डील्स हमारे सेवक दे देंगे। एक और रिश्ता दिखाने वाला था, चिराग लेके भी ढूंढते तो भी नहीं मिलता था। मार्केट देख लीजिए। अच्छा जल्दी से दिखाइए। लड़की सीए है, शादी के बाद प्रैक्टिस छोड़ देगी। कॉम्प्लेक्शन फेयर, हाइट एडजस्टेबल विद हील्स, फीचर्स वेरीफाइड बाय ISO 9001। एंड अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उसको सुन के आपकी शायद होश उड़ जाएंगे, दिमाग पे काबू नहीं रहेगा, और हो सकता है कि रिश्तेदारों में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। लड़की तुझे बोले ऐसी गोल रोटी बनाती है, अपने हाथों से बनाई है। इतनी गोल रोटी मैंने मेरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। मुझे यही लड़की चाहिए। आप अब बस मीटिंग फिक्स करवा दो।